अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल में कुछ टाइप्स वगैरह आ जाती है, जैसा कि सबसे पहले डीडीएल। डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कुछ फर्दर पार्ट्स है, क्रिएट, नंबर दो आल्टर। आल्टर्स के कुछ और पार्ट्स है इसके अंदर, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप एंड लास्ट वन इज कॉन्स्टेंट्स। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब हम अपने डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए डीडीएल से क्यूरीज वगैरह लिखी जाती है, डीडीएल का यूज होता है। ऐसा नंबर दो डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएमएल कहते हैं। इसके अंदर तीन क्यूरीज आती है कि हम अपने टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करें, इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी एंड डिलीट की क्यूरी। और आगे नेक्स्ट डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। हम अपने टेबल में डेटा तो इंसर्ट कर देते हैं, अब हमें अपना डेटा चेक करना है कि वाकई ही टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए हम डीक्यूएल मीन्स सिलेक्ट की क्यूरी यूज करते हैं। डीसीएल, डीसीएल मीन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट एंड रिवोक। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक्सेस देनी हो तो हम ग्रांट यूज करते हैं। आपके पास इतनी देर से लेके फर्दर 10 मिनट्स 20 मिनट तक एक्सेस है। उसके बाद रिवोक, रिवोक इसलिए यूज होता है कि आफ्टर 20 मिनट आपसे एक्सेस किसी चीज की वापस ले ली जाए। एंड लास्ट वन इज टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर तीन चीजें आती है, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। हम सबको सेपरेटली डिस्कस करेंगे एंड इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एसक्यूएल डेटा टाइप्स, एसक्यूएल की बहुत सारी डेटा टाइप्स है, उनमें से कुछ मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो की है, जैसे कि वारचार 2 और वारचार। वारचार 2 हम इसलिए यूज करते हैं, हमें जो डाटा, फॉर एग्जांपल अपना नेम इंटर करना है, एड्रेस इंटर करना है, उसके लिए हम वारचार या वारचार 2 डाटा टाइप यूज करते हैं। जो डाटा टाइप वारचार 2 है उसके लिए लेंथ लाजमी देनी होती है। दूसरी डाटा टाइप नंबर, नंबर की जो डाटा टाइप है उसके लिए लेंथ देना ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट डेटा डेट टाइप, जो डेट टाइप की डेटा टाइप है वो आपकी डेट को स्टोर करती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, सिस्टम की करंट डेट, आज से 10 साल बाद की डेट, 10 साल पहले की डेट, कोई हमने स्टोर करनी हो तो हम डेट डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्रिएट को पढ़ेंगे कि हम अपना टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। इसके लिए हमें चलना होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ओरेकल को किस तरह इंस्टॉल करें। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी या आपके पास ओरेकल इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरी पहली वीडियो इससे जाके देख सकते हैं। उस पहली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो आइए चलते हैं कमांड लाइन के ऊपर। ओरेकल के अंदर दो यूजेस है, एक कमांड लाइन, दूसरा ग्राफिकल इंटरफेस। ये वीडियो तो हम कमांड लाइन के ऊपर करेंगे एंड नेक्स्ट जो इसके बाद वाली वीडियोस आएगी इंशाल्लाह, वो सारी मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आपको एक एक क्यूरी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं कमांड लाइन पे। तो मैं सर्च करता हूँ कमांड, रन एसक्यूएल कमांड लाइन। जैसे ही मेरा रन एसक्यूएल कमांड लाइन ऑन हुआ है, हमारे पास रन एसक्यूएल कमांड लाइन ऑन हो गया है। सबसे पहले हमें एसक्यूएल पे यहाँ लिखना है कनेक्ट, CONNECT। ये हम अपर केस लेटर में भी लिख सकते हैं, लोअर केस लेटर में भी लिख सकते हैं, इसकी हमारे कोई टेंशन नहीं है, जिस तरह मर्जी लिखा जाए। इसके बाद इंटर यूजर नेम, यूजर नेम आपका जो ओरेकल का होता है वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है, SYSTEM सिस्टम। अब इधर पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है, पासवर्ड इधर वो होगा जो आपने ओरेकल इंस्टॉल करते वक्त दिया है। और जब आप पासवर्ड टाइप करेंगे आपको पासवर्ड नजर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है और मुझे कनेक्टेड
लिखा आ गया है, इसका मतलब मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। अब हम चलते हैं अपना टेबल कैसे क्रिएट किया जाए। उसके लिए क्रिएट का कीवर्ड, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल तो लिख लिया, टेबल क्रिएट करने लगे। अब हमने कोई टेबल का नेम देना है, जो टेबल का नेम है वो यूजर डिफाइन होगा। जैसा कि मैं देता हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, टेबल का नेम जो है मेरा वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के बाद हमें अपनी ब्रैकेट यूज करनी है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी, उसकी आईडी क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो हम नंबर्स में डाटा स्टोर करवाते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, उसके लिए हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं नंबर, या हम वारचार 2 भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ नंबर यूज करके दिखाऊंगा, नंबर। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, जहरी बात है नेम है, इसके लिए हमें डेटा टाइप वारचार या वारचार 2 यूज करनी पड़ेगी, वारचार 2। हमने अभी पीछे देखा था कि वारचार 2 की लेंथ मैंडेटरी है, लाजमी देनी है, तो यहाँ मैं लेंथ 20 देता हूँ। अभी मेरी 20 लेंथ रिजर्व हो गई है, मैं 20 से ज्यादा अल्फाबेट इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता। उसके बाद एड्रेस, वारचार 2, उसके बाद फोन नंबर, इसके डेटा टाइप मैंने नंबर रख दी है। आप यहां देख सकते हैं पहले नंबर की लेंथ मैंने नहीं दी क्योंकि ऑप्शनल थी, यहां मैं नंबर की लेंथ देता हूं, इधर मैंने 12 दे दी। अब मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा, मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। क्या मेरा टेबल वाकई ही क्रिएट हो गया है? जी हाँ। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर डाटा क्या है। फर्दर अभी इसके अंदर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और हमें डाटा इंसर्ट करवाने के लिए डीएमएल से एक क्यूरी आधार लेनी पड़ेगी, वो क्यूरी होगी इंसर्ट। आइए चलते हैं इंसर्ट की क्यूरी की तरफ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इसको मैं आपको इंप्लीमेंट करवा कर दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, अब हमें पता है हमारे जो नंबर टाइप की डाटा टाइप होगी उसको हमने एज इट इज वैसे प्रिंट करवाना है 1। नेम जिसकी डाटा टाइप वारचार, वारचार 2 होगी, उसको सिंगल कोट के अंदर उसमें डाटा लिखना है। जैसे कि मैं डाटा लिखता हूँ हमद। उसके बाद नंबर 3 पे है एड्रेस, एड्रेस मैं लिखता हूँ लाहौर। एंड लास्ट वन इज नंबर, इधर मैं फोन नंबर लिखता हूँ। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, वो कह देता है रो क्रिएटेड। डेटे को इंसर्ट करवाने के लिए 2-3 तरह की क्यूरीज है, वो फर्दर जब हम डीएमएल पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ एक रो ही क्रिएट हुई है, अब हम अपना डेटा चेक करना चाहते हैं कि हमारे टेबल में डेटा आ गया है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डेटा क्यूरी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था जब हमने किसी टेबल को देखना हो उसके अंदर क्या डेटा पड़ा है तो हम कौन सी क्यूरी यूज करते हैं? सिलेक्ट की क्यूरी। अब मैं इधर आपको सिलेक्ट की क्यूरी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक मतलब आपका टेबल में जितना भी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम वो सारा मुझे रन एसक्यूएल कमांड लाइन के ऊपर शो करवा दिया जाए। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल नेम लिखना होगा EMPLOY EE। उसने मुझे बता दिया है आपके टेबल में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है आईडी 1, नेम हमद, एड्रेस लाहौर एंड लास्ट वन फोन नंबर इज 3120192। आगे फर्दर हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है, उसके लिए मैं इंसर्ट की क्यूरी को दोबारा लिखता हूँ और इधर नेम को मैं चेंज कर देता हूँ, नेम में कर देता हूँ अली। आईडी क्या है इसकी? 2। फोन नंबर में 1 पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ। इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो वो मुझे बताता है 1 रो क्रिएटेड।
अब मैं दोबारा से सिलेक्ट की क्यूरी लगा के चेक करूंगा क्या मेरे वाकई ही एक रो और क्रिएट हो गई है। जी हाँ, मेरे एक रो और क्रिएट हो गई है जिसका नेम हमद, आईडी 1 हमद, आईडी 2 अली। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस टेबल से मैं सारा डाटा चेक नहीं करना चाहता, सिर्फ अली का डाटा चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली क्यूरी हमें वही लिखनी चाहिए, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब मैं इधर ये क्यूरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। देखिए मैंने अली के नेम की आईडी लिखी है, उसने मुझे सिर्फ 2 नंबर वाली रो शो करवाएगा। इंटर का बटन प्रेस किया, इधर आप देख सकते हैं उसने सिर्फ जो नेम मुझे शो करवाया वो सिर्फ अली है। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक क्यूरी लिख के दिखाए सिलेक्ट की, उसके अंदर नेम से सर्च करना है या एड्रेस से सर्च करना है, जो बंदे लाहौर में रहते हैं मुझे सिर्फ उनका डाटा ही सर्च करवाया जाए, जो बंदे लाहौर में रहते हैं सिर्फ उनका डाटा ही शो करवाया जाए। इसके लिए हम कौन सी क्यूरी लिखेंगे? चलो आइए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए कौन सी क्यूरी लिखेंगे। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर, सॉरी इधर जो मैंने एड्रेस है लाहौर लिखा है, लाहौर को सिंगल कोट्स में लिखना था। स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इज इक्वल टू LA लाहौर। आप देख सकते हैं हमारे टेबल में जिन बंदों का एड्रेस लाहौर में है वो उसने मुझे शो करवा दिए है। और ये स्लाइड्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके अंदर सारी क्यूरीज लिखी हुई है, आप इनको फर्दर वन बाय वन इंप्लीमेंट करके जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपका कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।